बोले बोले आज पर उनकी भक्ति
उनकी आदर्श आप हैं। अगर आपको उनकी नजरों में गिरा दिया बोली गए तालिक आखिर तालिक बोले आखिर सर बोली क्या है बोले कि बोले आखिर बोले आखिर हम पागल हैं जो तुम जैसी सास को सर पर बिठाएंगे। सुनो हमारे से कुछ हुआ तो सच सच बताना। बोली की बोली आए आखिर सही की वरना तुम्हारे नाम की एक सही की वरना तुम्हारे नाम की एक बोली की बोली वहां पर खड़े हुए थे तो मैं वहां निकली। ठीक है गौरव को देखो गौरव को देखो सुधा गौरव को देखो बोले कहा यही बात ज्यादा बता लगता है लगता हूँ ओके ठीक है करो देखो मैं आपको देखो ओके सुधा करो सुधा
रोलिंग सर की बोलिंग साले की बोलिंग हाँ मैम मांगे रोलिंग एंड राइट में थोड़ा भूलना चाहता मैडम की तरफ रोलिंग एंड की बोलिंग एंड आज आज ओके मैम वो सब छोड़ दीजिए अभी चुप रोलिंग सर रोलिंग की रोलिंग एंड एक्शन मार दो कह रही हैं देखो बात तो बात है की रोलिंग एंड सुधर तो पीछे हो सुधर तो पीछे हो सुधर बस की रोलिंग हाँ सीधा पीछे दब जाओ अभी रोलिंग एंड रोलिंग एंड एक्शन मार दो कह रही है देखो बात तो एकदम सरल है सारी सच्चाई जान गई हो ना का करो दो रास्ते हैं तुम्हारे पास या तो शेर को सब कुछ सच सच बता दो कि वो अम्मा जिसे वो पूछता है जो उसकी जान है उसने उसका इस्तेमाल किया है और दूसरा रास्ता तो ये सोचता है कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया अपनी अम्मा की जान बचाने के लिए हमारे हाथ में है उसे दुख देना चाहती हो या दर्द पर एक बात याद रखना है आज नहीं तो कल अपनी अम्मा को माफ जरूर कर दे तुम्हारा पति पत्नी का ले लो की बोलिंग एंड एक्शन और तुम्हारा पति कभी ना बन पाए तो आप भी जानते हो वन मोर चल रेडी रोलिंग एंड की बोलिंग एंड एक्शन या ओके रोलिंग एंड एक्शन वाह क्या बात नौ महीने पेट में रखा हमने पैदा हमने किया इनकी भावना की चिंता सिर्फ तुमको क्या बात कर देगा कि नहीं परफेक्ट बोले सुना मेरा बॉडी बॉडी का करके Keep rolling and also rolling sir and shut up आपको देख रहे थे आप rolling and yeah ma'am rolling and keep rolling and action कर लो कि नहीं
माँ तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, आपको पता है, हमेशा ही अत्याचार करते रहते हैं मुझ पे, बेचारे शेर को फंसाते रहते हैं। इस बार तो देखो बेचारा इतना बुरा फंस गया है कि रानी ने भी फंसाया, भगवती देवी फंसा रहे हैं उनको, तो उसमें हम बिल्कुल फंसे हुए हैं शेर अभी। और मैं जैसे कि दोबारा बर्थडे के टाइम पे ऐसे रानी ने बुला लिया था, मैं पहुँच गई थी, दोबारा पहुँच गई, मैं देख लो अपने शेर जी को बचा लिया। यानी कि पति वता पत्नी बनने के रूप में आ गई है अभी तो श्रद्धा हैज जस्ट स्टार्टेड लेकिन शी इज स्लोली स्लोली फॉलोइंग फॉर मी, इसलिए बिल्कुल पूरी जोरों शोरों से कोशिश जारी है श्रद्धा की। तो अब रानी से बचाने के लिए श्रद्धा और क्या क्या तरीके अपनाना चाहेगी, कि कैसे अपने पति से नजरें वजरे उतार के किस तरह से फॉलो करें? अब रानी अपना काम कर रही है, श्रद्धा अपना काम कर रही है, आप देखिए आगे क्या होता है। श्रद्धा बस अपना प्यार जो है वो धीरे धीरे उसे इजहार करेगी, शी टेक्स गुड केयर ऑफ हिम। इंटरव्यू चल रहा है, आ जाओ आप भी, मिलिए शेर सिंह से। सिर्फ हंसे हुए ऐसे शॉट में लगते, वरना देखो कैसे हीरो बन के घूम रहे हैं। शॉट में फंसे हैं ऐसे तो हीरो ही हैं। शेर सिंह हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा रेप कैसा हो रहा है, राइट? आप मुझे पता है यही जान बचाने आ जाती हूँ इन्हें। देखो पति पता पत्नी, जब पत्नी कहते कि पत्नी जब साथ होती है तो किसी मुसीबत की बात नहीं होती है। बढ़िया, ऐसी पत्नी है, जो करना है करो। जानते कि श्रद्धा को फाइनली आपसे प्यार हो गया है और आप अभी इनकार के मूड में दिख रहे हैं। अब क्या है, आस पास दोनों तरफ माल है, तो मेरे ऊपर मैं किसे चुनूंगा, हालांकि मेरे से ज़्यादा स्क्रिप्ट के ऊपर है, पर हाँ चुनूंगा तो श्रद्धा को ही। रानी तो बहुत आएंगी जाएंगी, बट असली रानी तो पास में फिलहाल चॉइस नहीं है कोई। घर जाके बीवी के डंडे खाऊं, घर जाके बीवी के डंडे खाऊं, किससे मिलती रहती है इन्हें। यार पपिया तो मैं जब बचपन में पैदा हुआ था ना, नर्स ने ही बोला था कि जब सबसे पहली नर्स ने ही मेरे को पप्पी कर दी थी। देखो ये इंटरव्यू तक कितना डीसेंट चल रहा था, अब देखो धीरे 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 नॉटी बनने लगा। मूड रखना है कि नहीं रखना है? मैं पिछले 7-8 दिन से जब से बारिश ने माहौल बनाया तो मेरा मूड बना रहता है। आज तो बहुत खुला है स्काई, आज थोड़ा सा सनी है, हाँ, तो जनरली बात वही है, मूड वैसा बारिश वाला ही है। तो यार अब तुम सीन गुस्से वाले करते हो तो मैं कैसे, मेरे आसपास कोई नहीं भटकता, आई स्वेयर, आस्क हर। मैं भटकती हूँ लेकिन अब बाद में थोड़ी देर बाद रोक ही निकलती है। Why are you taking so seriously your character? तो वही है, अभी कैरेक्टर में रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। 9 से 9 की शिफ्ट है, 9 बजे तक कैरेक्टर में, 9 बजे के बाद तो हाँ ऐसे ऐसे करना पड़ता है घर जाके। ऐसा कुछ नहीं घर आ पता चलेगा, घर जाके बर्तन धोने पड़ते हैं मुझे जो दोपहर के निकले हुए रहते हैं, फिर अगले दिन की तैयारी करनी पड़ती है, आटा गूंदना पड़ता है मेरे को, फिर जाके खाना मिलता है। पता ना तेरे को, As if you didn't know. I didn't know you. हाँ, नहीं तो बीवी बोलेगी अपना आटा खुद गूंदो, ऐसा माहौल है भाई घर पे, क्या बताऊँ। आप दोनों अपने रोल में कितने सिमिलर हो, रियलिटी में भी और ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन कितने? बहुत ज़्यादा सिमिलर है, गुस्सा बिल्कुल शेर सिंह जैसा आता है। अब आप बताओ श्रद्धा कितनी सिमिलर है? हाँ क्या श्रद्धा कितनी सिमिलर है? श्रद्धा एक्चुअली देखा जाए तो जो उसका कैरेक्टर है उसकी ऑपोजिट ही है। उसकी ऑपोजिट ही है, सीरियसली बेइज्जती करता रहता है हमेशा मेरी हर एक इंटरव्यू में। कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आपने मुझे सवाल पूछा, राइट? तो वो सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बताओ क्या ऑपोजिट? यही है कि यहाँ जैसे भोली हूँ बन के ऐसे ऐसे रहती है और यूँ कांपती रहती शिव जी, बाद में गौरव इधरा, ये ऐसे होता है उसका माहौल। आई नेवर टॉक टू हिम लाइक दैट, इन फैक्ट ही इज द वन हु टॉक्स टू मी लाइक दैट। ए चल चल निकल निकल जाओ। हाँ निकल जाओ। अभी हो गया इसका इंटरव्यू, चल निकल। चल निकल। इतनी आसानी से जनरली एक्चुअली शी इज वेरी शी इज हैप्पी गो लकी एंड शी इज वेरी एक्टिव अदरवाइज। सेट पे आके ना ऐसा लगता है कि सीन में से पूछना पड़ता है कि क्या हुआ, मतलब थकी हुई है, ताकत क्यों नहीं है तेरे में, आई मीन लाइक व्हाट इज योर प्रॉब्लम, शी लाइक नो आई एम एकदम फाइन, बेसिकली मूड में है तो एकदम से ओह गॉड हाय हाउ आर यू। ज्यादा
चलो गाइज एवरीबडी हैव अ गुड डे हैव अ गुड मॉनसून एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव रियली नाइस एंड हैप्पी रमजान टू ऑल ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड कीप प्रेइंग एंड दुआ में जरूर याद रखना हमें एंड गाइज कीप वॉचिंग मुझे बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं कि रमजान के कारण बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं सीरियल तो आई एम श्योर अगर आप हमें इतना प्यार करते हो तो आजकल हॉटस्टार ऐप है जिसका मैं प्रमोशन कर रहा हूँ तो उस पर आप सारे एपिसोड्स कैच कर सकते हैं यू कैन राइट इट डाउन कि कौन से डेट से कौन से डेट तक आपने नहीं करा इफ इन केस बट नेवर गो अगेंस्ट योर रिलीजन और छुप छुप के कहीं मौका मिले देख लिया करो यार कभी कभी अच्छा लगता है क्योंकि हाँ नहीं बट स्टिल देयर नॉट सपोज टू लाइक सम पीपल वॉच टीवी एक्चुअली ये नहीं है इसको थोड़ा आइडिया नहीं है सो एंजॉय योर सेल्फ हैव रियली नाइस मंथ ऑफ रमजान एंड कीप प्रेइंग दुआ में याद रखना और खूब मस्ती करना खूब खाना और ईद की मुबारक में देने आता हूँ चलो बाय बाय आपकी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगी प्लीज़ देखते रहिए पीआर अंग्रेज एंड अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए हमें एंड आई वुड आल्सो लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रमजान एंड हैव फन